अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ मकामी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बेलगाम शहर में चर्चा हो रही है गोवावेस के खाऊ कट्टे की। आज सामाजिक खिदमतगार सुजीत मुनगुन ने खाऊ कट्टे में गैर कानूनी तौर पर स्टालों को भाजपा के कारपोरेटरों ने अपनी ही बीवी के नाम पर लेने का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वादा रहे पिछले कुछ अरसे से खाऊ कट्टे को ही खाने का काम कुछ लोगों ने किया है, ऐसी खबर गश्त कर रही थी। पीडब्ल्यूडी मोहकमा को इसके बारे में फरियाद दर्ज की गई थी और इसी मद्देनजर यहां पीडब्ल्यूडी मोहकमा के अफसरान ने तफ्तीश भी जारी की थी। अब तो भाजपा के कारपोरेटरों का सरे फहरिस्त नाम पेश किया गया और मुकम्मल सबूतों के साथ अपनी बीवी के नाम पर ही करने का गैर कानूनी काम वार्ड नंबर 30 के कारपोरेटर जयंत यादव और वार्ड नंबर 41 के कारपोरेटर मंगेश पवार ने अंजाम देने की बात सामने। लिहाजा इस जुर्म के पस मंजर में दोनों कारपोरेटरों को क्या बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसी चर्चा भी फिलहाल शहर में गश्त कर रही है। फिर याद है सुजीत मुनगुन ने अपने मुतालबे में कहा है कि जरूरतमंद और मजबूर लोगों के लिए गोवावेस में खाऊ कट्टे की तामीर की गई थी। हुकूमत की जानिब से जरूरतमंदों को स्टालों की तकसीम की जाने की बात कही गई थी ताकि मजबूर अपना गुजारा कर सके, लेकिन अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल कर गरीबों का हक मारकर अपने ही बीवी के नाम पर दो स्टॉलों को मंजूर कर लिया गया। इनके नाम है सोनाली जैन यादव जिन्होंने 29 नंबर का स्टॉल लिया है, तो 28 नंबर का स्टॉल नीता मंगेश पवार के नाम पर है। केएम से कानून के मुताबिक दफा 26 ए के तहत खिलाफ वर्जी की गई है। लिहाजा इस तमाम मामले के संजीदगी से तफ्तीश कर मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा रीजनल कमिश्नर के पास सुजीत मुनगुन ने किया है। इत्तला के मुताबिक खाऊ कट्टा जहां पर मुख्तलिफ जायकों का एक छत के नीचे लुत्फ उठाने के लिए एक तरह आवाम की सहूलत के साथ गरीब अपना गुजारा भी करे, इसी मकसद से बनाया गया था, लेकिन यहां बजाय गरीब के अमीर ही मजा लूटते नजर आ रहे हैं, ऐसा आवाम को कहते हुए देखने को मिल रहा है। अब कारपोरेटरों की बीवियों के नाम से दुकानों को मंजूर कर जरूरतमंदों के हक को छीनने वालों पर सख्त कार्रवाई हुआ ऐसा कहा जा रहा है। यकीनन इसके पीछे भी सियासत हो सकती है, पर इल्जाम भी तो गलत नहीं है। बेलगाम जुनूब के एमएलए अभय पाटिल की सितार वैसे भी फिलहाल गर्दिश में है और जब हुकूमतें बदलती हैं तो बहुत कुछ बदलने लगता है, क्योंकि भले कारपोरेटर सियासी फसाद के मोहरे ही क्यों ना हो, पर इस तमाम खेल के वजीर तो जुनूब के एमएलए ही कह सकते हैं। इतना जरूर अब देखना यह है कि इस शह मात के खेल में बाजी कौन मारता है। भाजपा कांग्रेस की सियासी जंग में फिलहाल कांग्रेस ही मजबूत हालत में नजर आ रही है, इतना जरूर। अभी अपने खाऊ कट्टे की खबर देख रही थी आप, मोबाइल टावर ने भी सियासी रुख इख्तियार किया हुआ है। अब यहाँ भी पहले भाजपा कारपोरेटर ने हमला होने की फरियाद दर्ज कराई और अस्पताल में जेर इलाज रहा। इत्तला के मुताबिक रमेश पाटिल अपने घर पर मोबाइल टावर बिठा रहा था। कहा जा रहा है कि बिना कारपोरेशन की इजाजत के टावर को बिठाने के काम को रमेश पाटिल अंजाम दे रहा था। भाजपा कारपोरेटर अभिजीत जवलकर ने रमेश पाटिल से जाकर मोबाइल टावर को बिना इजाजत बिठाने पर सवाल किया और इसी में हाथापाई भी हुई। भाजपा के संजय पाटिल और दिगर कारपोरेटर ने भाजपा कारपोरेटर पर हमले की बात कहते हुए एहतजाज किया और तेलकोड़ी पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। रमेश पाटिल और दिगर 10 अपराधों पर मामला दर्ज किया गया और इन्हें हिरासत में भी लिया गया। अब यहाँ रमेश पाटिल की जानिब से रामसेना के कुंडुस्कर और दिगर कारकुनान ने रमेश पाटिल पर दर्ज मुकदमा वापिस लिया जाए क्योंकि ये कहानी झूठी है। उल्टा भाजपा कारपोरेटर जवलकर ने ही कुछ अपराधों को साथ में लेकर रमेश पाटिल पर हमला किया है कहते हुए तिलकवाड़ी पुलिस थाने के सामने धरना दिया। एसीपी नारायण बर्मनी को दखल देना पड़ा, तब जाकर एहतजाज खत्म किया गया, लेकिन इस धरने की वजह से भाजपा कारपोरेटर जवलकर पर भी मुकदमा दायर किया गया और इसे भी हिरासत में लेकर हिंडलगा भेज दिया गया। अब भाजपा की जानिब से भी कारपोरेटर पर हुई कार्रवाई पर धरना देने का काम हाथ में लिया और सीधे कमिश्नर दफ्तर के सामने ही एहतजाज करने निकल पड़े। कमिश्नर बेलगाम ने किसी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है और जो भी मुजरिम है उस पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कहा। बीजेपी एमएलए अभय पाटिल ने वीडियो जारी करते हुए बेलगाम को बिहार बनाया जा रहा है ऐसा इल्जाम लगाया। पिछले कुछ दिनों की सरगर्मियां सियासी रंजिश की तरफ इशारा तो कर रही है, खाऊ कट्टा हो या मोबाइल टावर या फिर इससे पहले आपने अनगोल में कमान को लेकर जिस तरह का तनाजा देखने को मिला, बजाहिर मामला कुछ भी हो लेकिन सियासी विसाद पर मोहरों के जरिए शहमात का खेल चल रहा है। जब इख्तदार में भाजपा थी तो खेला उन्होंने भी किया था, अब कांग्रेस भी इख्तदार में होने का कुछ तो एहसास कुछ लोगों को दिला रही है। जो भी हो लेकिन रोजाना नई नई खबरें हासिल हो रही है जिससे बेलगाम शहर के आवाम सियासी तब्दीलियों का मजा भी ले रही है। ये म्यूजिकल चेयर की तरह है, जो जीता वही सिकंदर, इतना जरूर है भी कहते हुए लोगों को देखा जाए। ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಬರಂಪುಗೆ
भगवा झेंड्याचा अपमान होऊन त्या महानगरपालिकेमध्ये निर्लज सरक्या बसणाऱ्या महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा धिक्कार असो. भाग्यनगर मध्ये जवळकर म्हणून बीजेपीचा नगरसेवक आहे. या ठिकाणी रमेश पाटील म्हणून एक सामान्य नागरिक त्याच्या घरावरती टावर बसवत आहेत आणि टावर का बसवतोस म्हणून जवळकर त्या ठिकाणी जाऊन त्या रमेश पाटलाला दादागिरी केला आणि रमेश पाटलाला पहिला मारबडव केला. मारबडव करून स्वतः ॲडमिट होऊन पोलीस स्टेशनमध्ये खोटी केसेस या ठिकाणी त्याच्यावरती जवळकरवर त्या रमेश पाटीलवरती दाखल करून त्याच्यावरती 307 डकेती केस रॉबरी ह्या असल्या केसेस घालून त्याला जेलमध्ये घातलं गेलेलं आहे. ನೋಡ್ರಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅದ ಅದ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇವ್ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸೇವಕ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಾರು. ಆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅವನ ನಗರಸೇವಕ ಜವಳಕರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಫೀಸ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಗರಸೇವಕರಾದಂತಹ ಏನು ಜವಳಕರ್ ಅವರನ್ನ ಬೇಕಾಯ್ದೆಸಿರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನು ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗಾತವಂದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ನಗರಸೇವಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತದ, ಹಲ್ಲೆ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಪಿಐ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ನಗರಸೇವಕರು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜರ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರಸೇವಕರು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 42 ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬವರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡೇಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಮತ್ತು ಇವರು ತಿರುಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಹ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ಇಷ್ಟು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿರೋದು, ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಇಒ ಕಿ ಖುದ್ಕುಶಿ ಕೆ ಬಾದ್ ನಯಾ ಸಿಇಒ ಕೌನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾರಿ ಹೈ. ಅಜಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಸರಿ ಫೆಹರಿಸ್ತ್ ತೋ ಹೈ ಪರ್ ಅಬ್ ತಕ್ ಐಲಾನ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಗಯಾ. ಕೆ ಆನಂದ್ ಕಿ ಖುದ್ಕುಶಿ ಕಿ ವಜಹ ಕ್ಯಾ ಇಸಿ ಚರ್ಚಾ ತೋ ಚಲ್ ರಹೀ ಥಿ. ಲಿಹಾಜಾ
इतलाके मुताबिक ऑनलाइन जुआ खेलने की आदत के आनंद को थी और कर्जा भी हुआ था, इस बात कही जा रही है। खैर हकीकत अब तक मंजर आम पर तो पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन इस तरह की बात चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रसूमात के लिए के आनंद की लाश को चेन्नई भेजा गया, ऐसा बताया गया। बेलगाम खानापुर के लोंडा सातनल्ली इलाके में हाथियों की जानिब से खेतों में घुसकर फसल को बर्बाद करने का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। अब फॉरेस्ट मोकमा की जानिब से हाथियों को खेतों से बाहर निकालकर जंगल में भेजने की कोशिश तो जारी है, पर पिछले कुछ दिनों से जारी ये कोशिशें कामयाब तो नजर नहीं आई। लिहाजा गांव वालों के साथ तमाम किसान भी फिक्र में मुब्तला है, क्या फॉरेस्ट मोकमा की कोशिश कामयाब होगी, क्या हाथी फिर से जंगल में जाएंगे। इस सवाल अवाम की जानिब से बारहा किया जा रहा है। आइए देखते हैं किस तरह फॉरेस्ट मोकमा हाथियों को जंगल में भेजने की कोशिश कर रहा है, इसके मंजर देखते हैं। वळी कडे हे करणार तो वळी मळले येते गो मळले मळले का शर्ट काढो मग बंद होत शर्ट करा गावात बसेल प्रॉब्लेम होणार बॉम्ब लावला तर लायटर दिव हे माची ही पेटे बरोबर लायटर कुडाला कांग्रेस की जानिब से कई मुफ्त स्कीमों का ऐलान किया गया, जिसमें से मुफ्त खवातीनों को बस का सफर ये भी अहम रहा। अब खवातीनों ने मुफ्त बस सफर का फायदा भरपूर उठाते हुए तकरीबन 100 करोड़ 45 लाख खवातीनों ने आंकड़ा पार किया है। भले खवातीनों ने मुफ्त सफर किया हो, लेकिन इस मुफ्त स्कीम के बदले में जो टिकट रकम वसूली है वो भी तवज्जो के काबिल है, जिसे मुफ्त सफर के जरिए एक तरफ से रियासती मोकमा फायदे में ही आ चुका है, बताया जा। आज खड़े बाजार पुलिस की जानिब से बीजापुर जिले के 3 बड़े चोरों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 8,80,000 रुपए की 14 गाड़ियां बरामद की गई, जिसमें स्प्लेंडर, होंडा शाइन, बजाज पल्सर है। चोरों के नाम महेश मदार, अमीर एलगी और प्रशांत मोरे बताया जा रहा है। अल मदद फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम न्यू गांधीनगर में किया गया था, जिसका फायदा तमाम जरूरतमंद मरीजों ने लिया। इनके इस काम को सराहा जा रहा है। अल मदद के सदर इम्तियाज पठान ने बताया कि और भी मेडिकल कैंप का एहतमाम जल्द किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।